अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है एक्सियल लाइन में, क्या हमने अभी ये देखा कि माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ ई निकाला, एक ई टू था एक ई वन था, ई टू बड़ा था ई वन से, तो नेट ई कहाँ आया था, टूवर्ड्स राइट, ई टू बड़ा था तो नेट ई टूवर्ड्स राइट। डायपोल मोमेंट पी वेक्टर कहाँ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो आपको ये पूछा जाएगा पेपर में कि एक्सियल लाइन पे पी वेक्टर और नेट ई वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, आप बोलेंगे दे आर इन सेम डायरेक्शन, पी वेक्टर भी राइट है, नेट एक्सियल की भी डायरेक्शन राइट है, तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या बनेगा, जीरो। क्लियर यहां तक, तो ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच में एंगल एक्सियल में हमेशा क्या बनता है, जीरो, और ये फॉर्मूला आपने याद रखना।